हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी आलू चने की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए कि आज मैं क्या बनाऊं, तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो फ्रेंड, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है ना आलू चने की सब्जी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, सच में ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैं चना को बॉईल कर ली हूँ और साथ में आलू भी बॉईल करके रख ली हूँ। 2-3 सीटी लगा के चने को बॉईल की थी और चने को भिगो के एक रात पहले भिगो दी थी और चने मेरे अच्छे से फूल चुके थे, इसलिए मैं इसको बॉईल कर ली हूँ। अब मैं कुकर चढ़ा दी हूँ गैस पे। मैं इसमें डालूँगी तेल, फिर तेज पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, इसको हल्का सुनहरा होने तक भूनूंगी। और यहाँ पे मैं बना के रखी हूँ पेस्ट, टमाटर, लहसुन, प्याज, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। तो ये मेरे प्याज जो है भून रहे हैं। तो प्याज भून चुके हैं, अब मैं डाल दूंगी इसमें अपना बनाया हुआ पेस्ट। तो मैं पेस्ट को 2 मिनट तक अच्छे से भून लूंगी। मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज करती हूँ, मैं अलग से कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना ही मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा गरम मसाला, मैं दो बड़ी इलायची, जीरा, काली मिर्च, थोड़ा सा मतलब मसाला लेके मैं उसका पेस्ट बना लेती हूँ सबका। मैं इसमें डाल दी हूँ पैकेट का मसाला, मसाला पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। थोड़ी थोड़ी देर तक इसको चला चला के ऐसे भून लेंगे हम। तो देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी, पानी डाल दूंगी इसलिए क्योंकि मुझे मसाले अच्छे से भूनना है। मैं मसाले को ना बहुत अच्छे से भूनती हूँ, इसलिए सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप मसाला थोड़ी देर तक भूनिए, थोड़ी ज़्यादा देर तक भूनिए, इसलिए कि कलर बहुत अच्छा आता है। मसाला अच्छे से भून जाते हैं तो बहुत अच्छा कलर इससे आता है। तो देखिए मसाले भून रहे हैं मेरे अच्छे से। मैं मसाले में ही नमक डाल देती हूँ। देखिए मेरे मसाले भून के तैयार हो चुके हैं। तो तेल देखिए एकदम अलग हो चुका है। मैं इसमें डाल दूंगी अब चना और आलू जो बॉईल करके रखी थी। और मैं इसको चला के अच्छे से मिक्स कर दूंगी सारे मसाले और 1 से 2 मिनट इसको भून लूंगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाले। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी ग्रेवी के लिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके अनुसार इसमें पानी ऐड करिए। देखिए मैं ना इसमें टमाटर का पेस्ट बना के डाली थी, एक टमाटर का पेस्ट बना के डाल दी थी। उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। मैं काश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर
नहीं यूज करती हूँ, तो मैं अब दो सीटी लगाऊंगी इसमें, दो से तीन सीटी मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको खोल के कुकर। ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना, सच में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिए। तो अब मैं ऊपर से डाल दूंगी हरी धनिया के पत्ते, ये देखिए कितनी सुंदर सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो आपको जब भी कुछ अलग खाने का मन हो और कुछ भी ना समझ में आए कि हरी सब्जी में क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, तो आप इस चने को, इस आलू चने को जरूर एक बार ट्राई करिए, सच में बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो फ्रेंड अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।